देखो हम इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। लगता था पहले ही कि सरकार इस तरह की अच्छी हरकतें भी करवा सकती है, क्योंकि ये संघ के लोग हैं, सभी संघ के लोग हैं, ये सारी चीजें उजागर होने भी लग रही हैं, और इन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं किया। तो ये खाली इन बॉर्डरों पर ही बात नहीं, खाली सिंघू बॉर्डर पर, टिगरी बॉर्डर पर या और कहीं, ये पूरे के पूरे देश में जाम भी होंगे और सरकार पर एक दबाव बनाया जाएगा। यूं तो आए दिन कल जो किसान एजिटेशन करेंगे, सबको इस तरीके से परेशान किया जाएगा। कितनी बड़ी एक घटिया हरकत है ये जो कल इन्होंने की है, इसकी पूरा मतलब हमारा संगठन वो सारा इसकी निंदा करता है, और इनको पकड़ के इनको सजा दिलवाई जाए, और आगे से इस तरह की ताकि हरकतें हो रही हैं जो उन पर ये एक लगाम कसने का काम हो। 16 युवकों को गिरफ्तार तो किया, पूरे मामले की बात करें तो इसमें जी 16 ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा एक साजिश है। खाली एक टिकैत की नहीं, जो भी किसान नेता जहां पर जो वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसान को इकट्ठा करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और जो ये संसद के द्वारा एक ये थोपे गए जो कानून है, इनको हटवाने को, इनको रद्द करने के लिए देश और किसान को बचाने का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों पर ये सरकारी तंत्र और ये संघ के लोग इस तरीके की प्लानिंग बनाए बैठे हैं, और वो उन्होंने शुरू कर दिया इस तरह की वर्किंग को, ये उजागर हो गया है। लेकिन ऐसी हरकतें समाज से नहीं करेगा, किसान से नहीं करेगा, और पूरे के पूरे देश में सख्ती के साथ रोड पर आएगा और इसकी निंदा करने के लिए और सरकार का बहिष्कार करने के लिए इस तरह के काम ये जो है लोग रोडों पर आएंगे। अब आगे की किस तरह की रणनीति, आगे की रणनीति ये है, देखते हैं सरकार इस पर कितना सख्ताई से और किस तरीके से इस पर एक रोक लगाती है और इनको गिरफ्तार करके इनको कानूनी तौर पे इनको सजा दिलाने का काम करती है। ये सरकार ने करना है, सरकारी तंत्र ने करना है। अगर ये चीजें इन पे ये रोक नहीं लगाई गई तो पूरे देश का किसान एकत्रित होकर इकट्ठे होकर के और सारे संघ के लोग संयुक्त मोर्चा के लोग इकट्ठे होकर के बहुत बड़ी एक घोषणा भी करेंगे और इसकी तैयारी भी करेंगे, ताकि इस तरीके से सरकार इस तरीके के लोगों से किस तरीके से इनके मुंह पे तमाचा मारा जाए और इनको बताया जाए। क्योंकि संवैधानिक तरीके से जब इस देश के अंदर आप एजिटेशन नहीं कर सकते, जो हमारे को राइट मिला है उससे हम अपना देश भर में घूम करके वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, किसान को बचाने के काम पर घूम नहीं सकते, तो ये बताएं फिर ये प्रजातंत्र किस बात का है, फिर ये संविधान को मतलब जो है ना इस तरीके से कुचलने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी योजनाएं बनेंगी और सभी संगठन इकट्ठे होकर के और एक बहुत बड़ा एक ऐलान करेंगे कि इस तरीके की समस्याओं से कैसे निजात पाई जाए। जो ये काम किया है संघ के लोगों ने या जो उनके तत्व हैं शरारती, उसकी हम पूरा हमारा किसान संगठन निंदा करता है और सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि अगर सरकार के बस की बात नहीं है प्रशासन चलाना, शासन चलाना, तो वो किसान चला सकते हैं। 4.5 महीने से किसान बैठे हैं जो बॉर्डरों पे, उनका आप प्रशासन देखो और किस तरह से उन्होंने अनुशासन के रहते हुए अभी सभी काम सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो ये सरकारी ड्यूटी बनती है कि जो हमारे किसान नेता हैं उनकी सुरक्षा दे, उन पे किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हो, और जो ये उनके शरारती तत्व जो हमारे पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे FIR दर्ज करके कानूनी प्रक्रिया की जाए और उनको सख्त से सजा दी जाए। उनको गिरफ्तार तो कर लिया है 16 युवकों को, इसमें गिरफ्तार करना, FIR दर्ज करना, ये सब बातें अलग होती है। कानून की प्रक्रिया में रहकर उनको सजा दिलाना एक अलग काम होता है। पुलिस सिर्फ मामले को ठंडा बस्ते में डालने के लिए एक गिरफ्तार कर लिया, उनको बाद में कह देगी कि सबूत न मिलने का उनको छोड़ दिया गया है। इस तरह की हथकंडे ये सरकार पहले भी करती रही, अब भी करती रही है। अगर सरकार हमारे नेताओं की सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अपनी रणनीति बनाएगा और अपने नेताओं की सुरक्षा खुद देंगे, जिससे हम सरकार पर किसी बात पर डिपेंड नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।